हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय थ्रेड क्राफ्ट। आज मैं आपको राखी बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए, मैं इसके लिए ब्लू कलर का मैं ऊन ली हूँ और मैं 2 mm की मैं क्रोशिया यूज कर रही हूँ। मैं आपकी थिकनेस के अकॉर्डिंग आप क्रोशिया यूज करेंगे, ऊन के थिकनेस के अकॉर्डिंग। तो पहले मैं देखिए इस तरह से सर्कल की तरह शेप बना लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर 2 चैन बनाऊँगी इस तरह से। देखिए 1, 2। अब देखिए इस तरह से क्रोशिया पर धागा लेते हुए इस तरह से सर्कल में क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। दोबारा सेम उसी तरह से क्रोशिया पर धागा लेते हुए इस तरह से मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। सेम इसी तरह से मैं पूरी 12 सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। देखिए क्रोशिया पर धागा लेते हुए सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। सेम इसी तरह से मैं 12 सिंगल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं 12 सिंगल क्रोशिया बना ली हूँ। इसको देखिए इस तरह से ये जो धागे दिख रहे हैं इसको खींच के मैं टाइट कर लूँगी तो छोटी सी सर्कल की तरह शेप बन जाएगी ये डिजाइन। इसके बाद देखिए जो लास्ट चैन है इसमें मैं इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए मैं ज्वाइन कर लूँगी। देखिए छोटी सी सर्कल की तरह शेप बन गई है। इसके बाद मैं 5 चैन बना लूँगी यहाँ पे। देखिए इस तरह से, नहीं मैं चैन ज़्यादा लूज बनाऊँगी और नहीं ज़्यादा टाइट। इस तरह से 5 चैन बनाने के बाद यहाँ पे मैं दूसरी कलर में ज्वाइन करूँगी। देखिए यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर ऊन ली हूँ और इस तरह से गांठ लगाकर इसकी नेक्स्ट जो चैन है इसे मैं ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद इसमें भी 5 चैन बनाऊँगी ऑरेंज कलर से भी। देखिए ये जो ऑरेंज कलर है इसको मैं छोड़ दूंगी और ब्लू कलर का ऊन जो है इसको मैं उठाऊंगी। और देखिए इसकी नेक्स्ट जो चैन है इसमें मैं क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करूंगी। देखिए इस तरह से इसके बाद मैं 5 चैन बनाऊंगी यहाँ पे। इसके बाद देखिए ऑरेंज कलर में क्रोशिया डालूंगी और ब्लू कलर का जो है उसकी नेक्स्ट चैन में क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करूंगी। इसके बाद मैं 5 चैन बनाऊंगी। सेम इसी तरह से डिजाइन बनेगी। देखिए इसके बाद मैं ब्लू कलर में क्रोशिया डालूंगी। देखिए इस तरह से डिजाइन बन रही है। ऑरेंज कलर के नेक्स्ट चैन में इस तरह से क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया ज्वाइन कर लूंगी। इसके बाद मैं 5 चैन बना लूंगी। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से डिजाइन बन रही है। सेम इसी तरह से सारे चैन बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनाते हुए सारे चैन में मैं कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से डिजाइन बन गई है। इसके बाद मैं देखिए लास्ट में यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी लास्ट चैन में और इस तरह से सिंगल क्रोशिया ज्वाइन कर लूँगी और 1 चैन बनाकर ये ऊन को मैं कट कर लूँगी। ब्लू कलर से कम्प्लीट हो गई है तो इसके मैं कट कर लूँगी और देखिए इस तरह से गांठ लगा लूँगी। इसके बाद देखिए ऑरेंज कलर में मैं क्रोशिया डालूंगी और बैक साइड से देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी इस तरह से ऑरेंज कलर के धागे में और इस तरह से सिंगल क्रोशिया ज्वाइन कर लूंगी। इसके बाद 1 चैन बनाकर ऑरेंज कलर का भी ऊन में कट कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से सर्कल की तरह ये शेप बन गई है। देखिए डिजाइन बहुत ही सुंदर लग रही है। इसके बाद मैं इसमें डोरी लगा लूँगी। तो देखिए मैं दोनों कलर में 1-1 धागे में लेकर उनको मैं कट कर ली हूँ। आप चाहें तो चैन बनाकर भी डोरी लगा सकती हैं, चैन का भी डोरी अच्छी लगेगी। तो मैं देखिए इस तरह से यहाँ पे फंसा कर मैं इस तरह से डोरी बना लूँगी और दूसरी साइड से भी सेम उसी तरह से कर लूँगी। देखिए इस तरह से दोनों साइड से मैं डोरी लगा ली हूँ। इसके बाद मैं इसमें मोती डाल लूँगी, 2-2 मोती दोनों साइड से मैं डाल लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं मोती में लगा ली हूँ। इसके बाद देखिए इस तरह से हल्की सी मैं गांठ लगा लूँगी ताकि ये मोती निकलेगी नहीं बाहर दोनों साइड से। देखिए राखी कंप्लीट हो गई है कि बहुत ही सुंदर लग ये राखी लग रही है। राखी के डिज़ाइन आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और फ्रेंड्स आप अपने रिलेटिव में भी शेयर कीजिएगा, फ्रेंड लोग को भी शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं गोल्डन कलर का मोती मैं सुई से स्टिच कर लूँगी।
हैंडमेड राखी बहुत ही अच्छी होती है, तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, आप बनाकर आप अपने भाई लोग कर पहना सकती हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छी है, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए राखी पूरी कंप्लीट हो गई है। देखिए मोती को मैं सुई से स्टिच कर ली हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर, देखिए साइज़ भी बहुत ही अच्छी है। इस तरह से आप कलाई में बांध सकती हैं, आप इसे कोई भी कलर में बना सकती हैं या फिर जरी या धागे से भी बना सकती हैं। मैं इसे ऊन से बनाई हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आप लोग को सपोर्ट करती हैं, वीडियो देखती हैं, तो मुझे बनाने में वीडियो बहुत ही अच्छी लगती है। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहती हैं कमेंट कीजिए। थैंक यू।